हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीवीटीपीजी अड्डा 247। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से सीवीटीपीजी के थ्रू जो है वो टॉप एमबीए कॉलेजेस अवेलेबल हैं जहां से हम एमबीए प्रोग्राम्स को ऑफर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे देश के अंदर मैं आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपके एमबीए प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन उनमें से कौन से ऐसे कॉलेज दिए गए हैं जिसको हम ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर हमने यहाँ से एमबीए किया तो हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहेगा, हमें आगे चलकर प्लेसमेंट भी मिलने वाला है, एक अच्छी इन्वायरमेंट में हम अपनी एमबीए की पढ़ाई जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा हम जानेंगे वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, वो यूनिवर्सिटी कौन सा है जो कि आपके एमबीए प्रोग्राम्स को ऑफर करता है सीयूईटी पीजी एग्जाम के थ्रू, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन जो है वो एमबीए प्रोग्राम्स में वहां पर कराया जाता है। आपको बताया कि सीयूईटी पीजी 2025 की तैयारी जो है वो हम शुरू कर रहे हैं, तो एक एक जानकारी जितनी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है उन सभी जानकारियों को हम वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास टॉप एमबीए कॉलेजेस जो है वो कौन कौन से हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करें तो टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यहां पर जो है आपके एमबीए प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो माना जाता है फॉर एमबीए हमारे इंडिया के अंदर में। अगर आप यहां से एमबीए करते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स और एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है आपके एमबीए करने के लिए। तो आप सभी लोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से भी एमबीए यहां पर कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा है ना पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल में आता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एमबीए प्रोग्राम्स को आपको कवर करवाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, तो हम यहां पर बात करने वाले हैं बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये भी आपको यहां पर एमबीए प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर करते हैं और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है ना। लोग इसको सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर अलग अनेक देशों में यहाँ पर जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोग्राम्स ऑफर किया जाता है वो मतलब ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम्स वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो माना जाता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट के हैं या अंडर ग्रेजुएट के हैं वो यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। तो इसमें एमबीए भी आपका ऑफर किया जाता है जिससे कि आप अच्छे तरीके से एमबीए कर सकते हैं और एक अच्छा प्लेसमेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये चूंकि एक बहुत ही ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इसीलिए इसका रिकॉग्निशन और नाम जो है वो बहुत बड़ा है। तो आप सभी लोग सीयूईटीपीजी से अगर आप के थ्रू अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो यू कैन टारगेट बीएचयू, यहां से जाकर आप पीजी एमबीए जो है वो कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर देखो सिर्फ एमबीए नहीं, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बहुत सारे है ना वास्ट रेंजेस ऑफ कोर्सेज जो है वो बीएचयू ऑफर करता है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आप बीएचयू से कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है ना, फॉर्मली पहले इसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ इंदौर है ना, ए प्लस ग्रेड बाय नैक के द्वारा यहां पर ए प्लस ग्रेड इसको दिया गया है। यह भी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है जहां से आप एमबीए कोर्सेज को जो है वो ऑफर कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे यूजी पीजी कोर्सेज जो है वो विद्यार्थियों को यहां पर ऑफर किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो ये अप्रूव्ड भी है, AICTE के द्वारा अप्रूव्ड भी है, तो यहां पर भी आप एमबीए करने के लिए इसको भी ऑप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स जो भी आपके सीयूईटी पीजी में आते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद UOH, ठीक है, ये वन ऑफ द टॉप 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है टॉप 10 NIRF रैंकिंग के अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपके ये वन ऑफ द 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी टॉप 10 में उसमें आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है, आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी से भी एमबीए कर सकते हैं है ना। यहां पर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए है ना, आपके एमटेक आपके एमबीए अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं फीस की, तो यहाँ पर लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद फीस आर लोअर देन अदर यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका फीस भी है जो है वो कम रहेगा और एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छा प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो आप सभी लोग यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आप एमबीए प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब ये भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है, अगर हम बात करें अभी सीयूईटी पीजी जिस प्रकार से 24 का एग्जामिनेशन हुआ है वहां पर जो प्रेफरेंस बच्चों ने भरा है उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रेफरेंस में रहे हैं है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ विद्यार्थी जो यहां पर थे वो बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को यहां पर अपने प्रेफरेंस में रखे। तो यहां पर भी अनेक यूजी एंड पीजी कोर्सेस ऑफर किया जाता है और इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स जो है वो मैनेजमेंट स्टडीज एमबीए के लिए भी यहां पर जो है वो प्रोग्राम्स आपके लिए ऑफर किया जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली को भी आप एक ऑप्शन यहां पर रख सकते हो। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। अब ये जो है ये भी नैक ए प्लस ग्रेड
यूनिवर्सिटी है और यहां पर भी आपके एमबीए प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। द यूनिवर्सिटी स्टार्टेड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट अंडर द फैकल्टी ऑफ बिजनेस इन 2019 में इन्होंने भी यहां पर मैनेजमेंट स्टडीज को लेकर जो है वो एक ब्रांच स्टार्ट कर दे जहां से एमबीए जो है वो कराया जाता है। तो आप सभी लोग एमबीए के लिए ये प्रेफर कर सकते हैं। बेसिकली यहां पर इसका पर्पस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हम कह सकते हैं। इट स्ट्राइव टू प्रोवाइड द एस्पायरिंग वुमेन ऑफ इंडिया लर्निंग एनवायरनमेंट टू मीट द चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड इनकरेज देम फॉर कंटिन्यूअस इनोवेशन एंड लर्निंग। और बेसिकली थोड़ा सा वुमेन को फोकस ज्यादा किया जाता है, तो वुमेन के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है वो एमबीए करने के लिए ये यूनिवर्सिटी हमारे लिए हो सकता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन एक बेहतर ऑप्शन जो है वो वुमेन के लिए हो सकता है एमबीए करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, है ना। हरियाणा यूनिवर्सिटी से भी आप एमबीए कर सकते हैं क्योंकि यहां पर भी एमबीए आपको ऑफर किया जाता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है इसके अंदर उसको 2010 में एस्टैब्लिश किया गया था और यहां पर आपको फुल टाइम प्रोग्राम जो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए के लिए यहां पर ऑफर किया जाता है। तो आप सभी लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को भी यहां पर आप लोग प्रेफरेंस में रख सकते हैं बिकॉज इट इज वन ऑफ द 15 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो है भैया सरकारी यूनिवर्सिटी है और यहां पर भी आपको एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा प्रोग्राम्स एमबीए के लिए यहां पर ऑफर किया जाता है। तो आप सभी लोग एमबीए के लिए इसको भी जो है वो प्रेफरेंस में रख सकते हो। अब बात आती है कि इन सभी कॉलेज से हम एमबीए कर सकते हैं, है ना। ये सब हमारे एक अच्छे ऑप्शंस जो है वो एमबीए करने के लिए है, लेकिन तैयारी जो हम करेंगे वो तैयारी कैसे करेंगे। और अड्डा 247 आप सभी के लिए यहां पर 2025 की तैयारी भी जो वो शुरू कर दिया है। आपको पता है कि आपका भाई हमेशा इन चीजों को लेकर बिल्कुल अपडेटेड रहा है और आपके तक आप तक जो है वो वीडियो हमेशा, मतलब हर एक वीडियो जो है वो आप तक पहुंचा है, हर एक इंफॉर्मेशन को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, एडमिशंस को लेकर हर एक चीज आपको हमने बिल्कुल टाइम से पहुंचाया है। और अब जो है वो हम सीयूटी पीजी 2025 की तैयारी में जो है वो हम लग जाएंगे। आपके कोर्सेस यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब सीयूटी पीजी 2025 की तैयारी जो हम करने वाले हैं वो हम कैसे करने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि जो हमारे कोर्सेस आ चुके हैं वो कोर्सेस यहां पर कौन कौन से रहने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, हम चलने वाले हैं अड्डा 247 की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे सीयूटी पीजी 2025 के लिए कोर्सेज जो है वो ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है और इसकी क्लासेस जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट होगी। तो एक बार देखते हैं यहां पर हमारे लिए कोर्सेज क्या है। आप सभी एडमिशंस जो है वो आज से ही शुरू कर सकते हैं, तो आज से ही सीयूटी पीजी 2025 की तैयारी जो है वो हम शुरू कर सकते हैं। और एमबीए में जितने भी विद्यार्थी आप करने वाले हैं बेटा, आपकी क्लासेस जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी लोग एडमिशन यहां पर ले सकते हैं। हम जाएंगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप adda247.com ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा या फिर एप्लीकेशन को ओपन करिएगा, वहां से आप सेलेक्ट करिएगा, यहां पर सेलेक्ट करना ऑल कोर्सेस यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद सीयूईटी पीजी पर हम जाएंगे और सीयूईटी पीजी को अगर आप क्लिक करते हो या फिर महापैक लेते हो, तो महापैक अगर हम लेते हैं, एक बार देखते हैं महापैक क्या है इसमें। अगर आप महापैक लोगे तो इन सभी के लिए महापैक भी दिया गया है। महापैक के अंदर जितने भी हमारे बैचेस आते हैं वो सभी बैचेस इंक्लूड किया जाता है। अगर हम COQP 12 की बात करते हैं तो इसके अंदर जो भी बैचेज आएंगे वो महापैक के अंदर आपको जो है वो ऑफर किया जाएगा। COQP 11 के अंदर भी सारे बैचेस जो भी आएंगे वो, जब तक आपके पास ये पूरा महापैक होगा एक साल तक, वो सभी बैचेस आपको दिए जाते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो महापैक हो सकता है। अगर मान लीजिए आप सीयूटी पीजी 25 की तैयारी लगे हुए हो और COQP 12 के लिए आप करने वाले हो, तो यहां पर इस महापैक को आप एनरोल कर सकते हो, इस महापैक को आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, इस महापैक के अंदर में इसका हाइलाइट्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको बता देता हूं। इसके इंपॉर्टेंस मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, है ना। यहां पर मैं ही आपको रीजनिंग भी पढ़ाने वाला हूं, है ना। मेरी क्लासेस जो है रीजनिंग की आपको मिलेगी, जबरदस्त क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हमारे क्लासेस होंगे वो आपको मिलने वाले हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलने वाला है, मॉक टेस्ट, सेक्शनल क्विज आपको मिलने वाला है, चैप्टर वाइज PDF, है ना, नोट्स, और साथ ही साथ मेंटरशिप और करियर गाइडेंस, ये आपको कंप्लीट मिलेगा, है ना, जब तक ये महापैक आपके पास रहेगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए पूरे एक साल के लिए यहां पर इसको एनरोल करते हैं, बाय नाउ करते हैं फॉर 12 मंथ्स या 15 महीने के लिए। अब देखो ये क्या है, ये 15 महीने की वैलिडिटी रहेगी आपके पास, यानी कि अगले 15 महीने तक आपके पास ये पूरा पैकेज रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो हम यहाँ पर डिस्काउंट लगा सकते हो, है ना, इस पर डिस्काउंट भी आप लगा सकते हो। और डिस्काउंट के लिए यहाँ पर कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा सभी लोग, है ना। यहाँ पर डिटेल्स मांगेंगे आपको, डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और कूपन यहाँ पर यूज कर लेना, कूपन यहाँ पर आप लोग यूज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं सोनू 20,
सोनू 20 कोड का अगर इस्तेमाल करते हो तो ये प्राइस जो है वो आपको 17% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और यहां पर प्राइस जो है वो 17,999 रुपीज में आपको पूरा महापैक मिलता है। इसका फायदा यह है कि आपको अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेने पड़ेंगे, आपको अलग से कोई भी चैप्टर वाइज क्विज नहीं लेना है, आपको अलग से अगर हमारा क्रैश कोर्स आता है या फिर एमसीक्यू के कोई भी बैचेज आते हैं उनमें से कोई भी बैच आपको परचेज नहीं करना है। महापैक में हर एक चीज टाइम टू टाइम, जैसे जैसे एग्जाम आएगा है ना, हमारा दिन आगे बढ़ेगा उस हिसाब से जो भी कोर्सेज जो भी मॉक टेस्ट हमारे आएंगे उन सभी को आपको एक्सेस दिया जाएगा। तो आप सभी लोग इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं महापैक में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पार्टिकुलर बैच में हम इनरोल करें तो आप बैच को भी इनरोल कर सकते हैं। आप जाइएगा सीयूटी पीजी पर, और सीयूटी पीजी पर जाने के बाद आपके पास बैचेस यहां पर दिख जाएंगे। अगर हम बैचेस की बात करते हैं तो सीयूटी पीजी 2025 सीओक्यूपी 11 के लिए एस्पिरेशन बैच आ चुका है, सीओक्यूपी 12 एमबीए वालों के लिए जो है वो ये बैच है, ध्यान से देख लीजिए, सीयूटी पीजी 2025 एस्पिरेशन बैच फॉर जनरल एमबीए, ठीक है। तो सीयूक्यूपी 12 चलते हैं, यहां पर इस बैच को आप इनरोल कर पाओगे बेटा, और यहां पर इस बैच को इनरोल करने के लिए फिर से वहीं पर हम जाएंगे, और इसमें भी इसके अंदर भी आपको 10 टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं और पूरे लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं। आप यहां पर बायो पर क्लिक करिएगा, यहां पर जाकर सोनू 20 SONU20 कोड का इस्तेमाल करिएगा, डिस्काउंट 15% है लेकिन आपको इस पर 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये 10,985 रुपए का आपको पूरा कोर्स जो है वो सीयूटी पीजी 2025 एमबीए पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां से जाकर कंटिन्यू कर आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, और कोड के तौर पर आप यहां पर डिस्काउंट क्या करिएगा, सोनू 20 कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, सोनू 20 कोड का इस्तेमाल जो है वो आप कर लीजिएगा डिस्काउंट के लिए। बाकी पूरा गाइडेंस जो है वो बना रहेगा आप सभी के लिए, पूरा गाइडेंस हम यहां पर करने वाले हैं, है ना। मेरे तरफ से आपका जो भी हेल्प हो सकता है जहां तक हो सकता है मैं आपको करने वाला हूं, और ज्यादा आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा sonu.kumar1@247.com। आप मुझे बेटा मेल कर देना, मैं आपके मेल का रिप्लाई दे दूंगा या फिर मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा मेल में, जहां से आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, है ना। जो भी होगा डिस्कशन बैचेस के बारे में, कैसे तैयारी होनी है, हर एक गाइडेंस पूरा मेंटरशिप जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग मुझे यहां पर मेल कर देना sonu.kumar1@247.com, ठीक है। और या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, SK Singh ID टेलीग्राम आईडी है मेरा SK Singh 1208, आप मुझे इस टेलीग्राम आईडी पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस सेशन की समाप्ति हम यहीं पर करेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अब जो है वो तैयारी में लग जाइए, और जो भी हमारे कोर्सेज हैं ऑलरेडी आ चुके हैं, बैचेस आपके बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, एडमिशन ओपन हो चुका है, तो फटाफट लिमिटेड सीट्स है, आप सभी लोग एडमिशन जो है वो अपना एमबीए के लिए बैचेज में आप इनरोल कर लीजिए। अगर आप सीओक्यूपी 12 के लिए कर रहे हैं तो भी, और 11 के लिए कर रहे हैं तो भी, आपके सारे बैचेज आपके लाइव हो चुके हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। जिस बैच में भी एडमिशन लेना हो पीजी के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्काउंट के लिए 17% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे मेल कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि आपके पास और क्या जानकारी चाहिए या आपको किस बारे में कंफ्यूजन है, डाउट है, जो भी चीजें हैं आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो और मुझे मेल भी कर सकते हो। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।